हेलो फ्रेंड, आज हम एक अलग तरीका का शाही पनीर बनाएंगे। शाही पनीर अनियन गार्लिक से बना जाता है, पर बिना अनियन गार्लिक का भी शाही पनीर होता है, पर बहुत खट्टा हो जाता है। वो अच्छा नहीं लगता है। और सब दिन हम अनियन गार्लिक वाला शाही पनीर नहीं खा सकती, इसलिए आज हम एक अलग तरीका का शाही पनीर बनाएंगे। ना होगा ये खट्टा, ना होगा तीखा। तो चलो शुरू करते हैं शाही पनीर बनाना। शाही पनीर बनाने के लिए हम एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल गरम होने दिया। इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा जीरा, कुटा हुआ गरम मसाला डालेंगे। इस तेल में हम एक बड़ी इलायची, दो छोटी इलायची, दो लौंग, एक दालचीनी को थोड़ा सा दरदरा कूट के डालेंगे। फ्रेंड, तेल में दरदरा कूटा हुआ गरम मसाला को डालेंगे हम। इसके बाद इसमें थोड़ा जीरा और लाल सूखी मिर्च डालेंगे। फ्रेंड, इसमें अब हम हींग, जीरा और सूखी लाल मिर्च डालेंगे। फ्रेंड, अब हम इस तेल में दो टमाटर को काट के, छोटे छोटे काट के डालेंगे और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। फ्रेंड, टमाटर को प्यूरी ना बना के डाल के छोटे छोटे टुकड़ों में काट के डाला जाए तो बहुत अच्छा ग्रेवी होता है। खाने पे भी ये बहुत अच्छा लगता है। इसको अब हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। टमाटर फ्राई हो गया है फ्रेंड, अब हम इस पे अदरक और मिर्ची का पेस्ट डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसको भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अदरक को अच्छी तरह से फ्राई करना पड़ता है, नहीं तो अदरक का ग्रेवी अच्छा नहीं बनता। इस टमाटर के साथ हरी मिर्च का और अदरक का पेस्ट, आधा इंच अदरक का पेस्ट को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड, टमाटर और अदरक अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। इसमें अब हम डालेंगे 5-6 काजू। इसको थोड़ी देर भिगो के इसका एक पेस्ट बना लिया है, इसको अब हम इसमें डालेंगे। फ्रेंड, अब हम इसमें थोड़ा सा काजू का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसको भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे हम। ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए। फ्रेंड, काजू फ्राई हो गया है। इसमें अब हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर इसमें अब हम ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। फ्रेंड, हमारा मसाला फ्राई हो गया है और तेल छोड़ दिया है। इस पे अब हम डालेंगे थोड़ा सा किशमिश का पेस्ट। फ्रेंड, जितना काजू है उसका आधा किशमिश इस पे डाला जाए तो बहुत अच्छा होता है, नहीं तो खट्टा, ये भी खट्टा बन जाता है। पर किशमिश से बहुत अच्छा टेस्ट आता है ग्रेवी पे। इसमें अब इसमें किशमिश हम डाल रहा है। किशमिश डालने के बाद इच्छे इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे मिला के और मसाला को और थोड़ी देर पकाएंगे। फ्रेंड, आप इसमें थोड़ा सा चीनी, शुगर डालेंगे, फिर इसको अच्छी तरह से मिला के फ्राई करेंगे। फ्रेंड, अब इसमें जाएगा थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च खाना अच्छा नहीं है, पर इसके कलर के लिए हम थोड़ा सा लाल मिर्च इसमें ऐड कर रहे हैं। इसको और थोड़ी देर पकाने के बाद इसमें हम पानी डालेंगे। फ्रेंड, मसाला फ्राई हो गया है, अब इसमें हम मिल्क डालेंगे। शाही पनीर में मिल्क बहुत अच्छा लगता है और इसको मिला लेंगे। इसको अब उबलने तक हम ये उबल जाए हम थोड़ी देर
फ्रेंड हमारा ग्रेवी उबल गया है, इस पे अब हम फ्रेश क्रीम डालेंगे, एक टेबल चम्मच फ्रेश क्रीम। फ्रेंड अब हम इसमें थोड़ा सा फ्रेश क्रीम डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। आप चाहो तो फ्रेश क्रीम की बदली में मलाई भी डाल सकते हो। इसको और थोड़ी देर उबालने देते हैं हम। फ्रेंड ग्रेवी उबल रहा है, इस पे अब हम पनीर डालेंगे। 100 ग्राम पनीर है, ये बाजार का पनीर है, इसको हम फ्राई नहीं करके दे रहा है, मेरी होममेड पनीर फ्राई करके मैं सब्जी बनाता हूँ, पर बाजार का पनीर बहुत हार्ड, इसके लिए इसको फ्राई करने से और भी हार्ड हो जाता है। इसको हम फ्राई करके इसलिए नहीं डाल रहे हैं, इसको और थोड़ी देर उबालने देते हैं। फ्रेंड अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, मैं ग्रेवी पे नमक नहीं डाला था इसलिए अभी नमक डालेंगे। तो फ्रेंड रेडी हो गया है शाही पनीर, इस पे आप और एक चीज जाएगा। फ्रेंड आप इसमें जाएगा थोड़ा सा गरम मसाला का पाउडर, इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे हल्के हाथों से, पनीर टूट ना जाए। फ्रेंड हमारा शाही पनीर रेडी है, इसको अब हम प्लेटिंग करेंगे। इसको आप रोटी पराठा चावल नान के साथ खा सकते हो। फ्रेंड हमारा बिना अनियन गार्लिक वाला शाही पनीर रेडी है, इसको आप चाहो तो थोड़ा सा हरा धनिया डाल सकते हो, पर मुझे हरा धनिया पसंद नहीं है इसलिए मैं उसको नहीं डाला। फ्रेंड इसको आप हल्दी पाउडर ना डालो तो व्रत में भी खा सकते हो और कोई दिन भी खा सकते हो। फ्रेंड तो फ्रेंड इस रेसिपी अच्छा लगा तो मेरी इस रेसिपी को एक लाइक दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ रेसिपी शेयर कीजिए। फिर एक बार मिलते हैं, बाय बाय।